रश्मि जी आप हो? नमस्कार। नमस्कार। तो इस महायज्ञ में पहली आहुति के लिए मैं टोरंटो में रहने वाली रश्मि वार्षिणेय जी का सविनय स्वागत करता हूं। रश्मि जी एलिमेंट्री स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। बचपन से वो हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में लघु कथा एवं कविताएं लिखती आ रही हैं। उनकी अधिकतर रचनाएं उनके आसपास घटी घटनाओं से प्रेरित हैं। आज वो हमारे सामने अपनी कुछ चुनिंदा कविताओं का पठन करेंगी। रश्मि जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्या जी। जैसे आशा दीदी ने कहा कि आपने जो है कई नाटकों में हिस्सा लिया है, अधिकतर हिंदी राइटर्स गिल्ड के जितने भी नाटक हुए आप उसमें सब में मुख्य भूमिका में रहे हैं। और मुझे भी एक मौका मिला था आपके साथ एक नाटक मित्रों मरजानी में जी, काम करने का, तो उसके लिए जो है वो बहुत अच्छी बेहतरीन यादें हैं जो मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। धन्यवाद। तो धन्यवाद आपको, आप जो है बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। तो सारे जितने भी श्रोतागण, जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको रश्मि वार्षिणेय की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। यह मेरा परम सौभाग्य है कि इस माँ भारती कविता के महायज्ञ में मुझे शामिल होने का मौका मिला है, और इसके लिए मैं श्रीमती शैलजा सक्सेना जी, पूनम चंद्रा, मनु जी, लता पांडे जी, सारे आयोजक, और साथ में एन चंद्रा जी जो मैजिक मैन हैं, जिन्होंने ये बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि उज्जैन की आदरणीय श्रीमती प्रतिभा यादव जी ने एक उनकी जब शुरुआत में कहा था, बड़ी खूबसूरती से कहा था, मैं भी उन्हीं का अलंकार इस्तेमाल करके कह रही हूँ कि आज इस महायज्ञ में मैं एक छोटा सा योगदान अपने कुछ शब्दों की आहुति के माध्यम से देने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी रचनाएं पसंद आएंगी। तो सबसे पहले मैं कुछ सिंक्विन कविताओं का पाठ करती हूँ। जब मैं हम कनाडा में आए तो ये एक नया जो है कविता का फॉर्म मुझे यहाँ पे सीखने को मिला, सिंक्विन, और साथ में इसके साथ साथ ही मैंने हाइकू कविताओं को भी सीखा यहाँ पे। तो पहले मैं आपको सिंक्विन कविता क्या है वो बताऊंगी। तो सिंक्विन कविता जो है वो एक प्रकार की छोटी सी कविता होती है जिसमें केवल 5 पंक्तियां होती हैं। पहली पंक्ति में विषय होता है और विवरण में कुछ ही शब्दों का उपयोग करके विषय के कार्य और भावनाओं के बारे में बताया जाता है। तो जो मेरी पहली कविता का शीर्षक है, माँ माँ जो है मेरी बहुत ही करीब है। तो माँ जननी, स्नेहमयी, सहनशील माँ का आंचल भुला देता सारे दुख दर्द। तो ये है माँ पे सिंक्विन कविता। अगला जो है, और साथ में शक्ति, सॉरी शक्ति, और अगला जो कविता का शीर्षक है वह है पिता, मुखिया, आदर्श, समझदार, देते सही राय, घर को चलाने वाले सुपरमैन। एक जो है मेरा, मुझे जो है हमेशा, मैं जब भी कुछ लिखती हूँ तो मैं अपने बचपन में हमेशा चली जाती हूँ, तो मैं अपने बचपन के बारे में जरूर लिखती हूँ। तो ये जो कविता का शीर्षक है वो है बचपन। बचपन, लड़कपन, खिलौने, दिन भर की शैतानी, छोटी सी निश्चिंत दुनिया, मासूम। अगला शीर्षक है बुढ़ापा। बुढ़ापा, तजुर्बा, समझदारी, जीवन की संध्या, सुनहरे दिन, दूसरा बचपन, वरिष्ठता। एक और कविता है सिंक्विन कविता जो है पतिदेव। मैंने अपने पतिदेव के ऊपर लिखी है। समझदार, जीवन साथी, कर्मठ, पत्नी को सम्मान देने वाला, एक सच्चा दोस्त। तो ये मेरी सिंक्विन कविता थी। अब जो है अगली कविता जो मैं सुनाने जा रही हूँ, कुछ कविताएं वो है हाइकू। तो हाइकू क्या है? तो हाइकू कविता जो है वो भी एक छोटा सा कविता का रूप है जो जापान में उत्पन्न हुआ था। हाइकू अधिकतर प्रकृति या भावनाओं पर आधारित होता है। हाइकू में केवल 3 पंक्तियां होती हैं, सिंक्विन में 5 होती थी, इसमें 3 होती हैं, जिसमें पहली पंक्ति में 5 शब्दांश होते हैं, दूसरी पंक्ति में 7, और तीसरी पंक्ति में भी 5 शब्दांश होते हैं। तो जो मेरा पहली कविता का शीर्षक है हाइकू कविता का, वह है पतझड़। पतझड़, ठंडी हवाएं, रंग बिरंगी चित्रकला, खूबसूरती। दूसरी जो कविता है हाइकू वह है वसंत ऋतु। चहकते पक्षी, सब ऋतुओं का राजा, नई फसलें। एक है जो, जैसे अभी प्रेम रंग के बारे में बात किया, कविताएं सुनाई थी डॉक्टर कनिका वर्मा जी ने और मानुषी ने भी, तो यह है प्यार
अनूठा जज्बा निस्वार्थ और शुद्ध संतोषजनक। तो ये थी मेरी कुछ हाइकू कविताएं। तो अब जो है मैं अपनी और कविताएं आपको सुनाना चाहती हूँ। मेरी जो अगली कविता का शीर्षक है वह है प्रश्न। तो ये विरह रंग में है। तो जैसे हम अभी प्रेम रंग की बात हुई तो ये विरह रंग है। इतने बड़े शहर में आज मैं अकेली क्यों हूँ, अपनों के बीच भी मैं अजनबी क्यों हूँ। लैला और मीरा की पीड़ा, लैला और मीरा की पीड़ा आजकल लगने लगी क्यों अपनी सी, किताबों में लिखी प्रेम कहानियां सब लगने लगी क्यों सच्ची सी। क्यों मेरी नजरें हर वक्त लगी रहती हैं सामने वाली सड़क पे, क्यों मेरी नजरें हर वक्त लगी रहती हैं सामने वाली सड़क पे, क्यों दिखाई देते हो तुम मुझे दूर खड़े मुस्कुराते हुए। क्यों दिन रात देखती हूँ मैं तुम्हारे ख्वाब, क्यों दिन रात देखती हूँ मैं तुम्हारे ख्वाब, क्यों रहता है मुझे हर पल तुम्हारा इंतजार। इसके बावजूद क्यों होता है यह एहसास कि तुम यहीं कहीं हो मेरे आसपास। फिर भी इतने बड़े शहर में आज मैं अकेली क्यों हूँ, अपनों के बीच भी मैं बेगानी क्यों हूँ। अब यही जो है प्रेम रंग या विरह रंग को है आगे मैं बढ़ा रही हूँ। और इस कविता का शीर्षक है हमदर्द। इस दुनिया में है जो कोई आया, अक्सर रोया है उसे पाकर, बहुत कम है ऐसे खुश नसीब जो खुश रहे जिंदगी भर। कारण है उनके रोने का यह दुनिया, जो समझती नहीं किसी का दुख दर्द, समझना तो उन्हें आता ही नहीं कि दर्द कम होता है सबसे बांटकर। मैं भी हूं एक ऐसा पत्थर जिसे दुनिया ने मारी है कई ठोकरे, बिना कुछ जांचे परखे लगाए हैं झूठे आरोप प्रत्यारोप। है कोई ऐसा इस संसार में जो लड़े इस दुनिया से मेरी खातिर, जिसे मैं भी मानूं कि वह है मेरा एक निडर हमदर्द। तो उसी को आगे चलाते हैं हम। यह है याद, शीर्षक है याद। याद 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 वही है साथ मेरी बेचैनी में, मजबूरी में, तन्हाई में और पीड़ा में। वही है साथ मेरी आशाओं में, उमंगों में, खुशियों में और ख्वाबों में। वही है साथ मेरी सांसों में, धड़कन में, दिल में और जहन में। वही है साथ हर पल दिन रात, हर दम साथ साथ। वही है साथ बस तुम्हारी याद, तुम्हारी याद, सिर्फ याद। अच्छा, अब अगली कविता का जो है शीर्षक वो है भावनाएं। हम आजकल जो है आजकल के अक्सर ये होता है कि हम भावनाओं में बह के जो है ऐसे निर्णय लेते हैं या बाद में फिर हम सोचते हैं कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो भावनाएं हम पे किस तरह से हावी रहती हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो इसको मैंने जो है अपनी कविता के रूप में पिरोया है अपनी कुछ शब्दों को। तो भावनाएं, चाह, ख्याल, कल्पना या संवेग, विचार, जज्बात, भाव या अभिवेग, भय, क्रोध, ईर्ष्या, उदासी, प्रेम, खुशी, शांति या कभी ग्लानी, ये भावनाएं हैं जो छाई रहती हैं हमारे मन मस्तिष्क पर और निरंतर हमें एहसास कराती हैं अपना अस्तित्व। हमें इनमें लिप्त बहते रहते हम और अपने आसपास बुनते रहते नए ताने बाने हम। इनकी वजह से कई बार हमने अपनों से ही रुष्ट हो तोड़ लेते हैं रिश्ते नाते। कई बार स्वयं का ही शोषण कर अपने आप से ही हैं तलाक ले लेते। तो हम जब अपने आप से तलाक ले लेते हैं तो इसका मतलब हम अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ देते हैं। क्यों अपने आप पर ऐसे जुल्म ढाते हो, क्यों अपने आप पर ऐसे जुल्म ढाते हो, क्यों अपनी आत्मा एवं आत्मीयजनों को सताते हो। अरे रुक, जरा जुड़ अपनी अंतरात्मा से, सोच शांति से बैठ, झांक अपने मन में, अपने अंदर के कौतूहल को देख, टटोल अपने मन को, समझ अपनी भावनाओं को, रिश्तों को ऊपर रख,
परे रख अपनी दलीलों को, सोच क्या अहम है, क्या पाल रहा वहम है, कर आत्मचिंतन, दे आत्म सुझाव, परे कर उन नकारात्मक भावनाओं का घातक बहाव, कर अपने काम काज संबंध और जिंदगी जीने के तरीके में सुधार, बुरी भावनाओं का उन सब पर ना पड़ने दे कोई प्रहार। भावनाएं तो अनुभूतियां हैं, रहती हैं वह आती जाती, जीवन की दिशा और दशा के साथ साथ हैं बदलती रहती। इसीलिए बन साहसी, सही निर्णय ले, अच्छे जज्बातों को उमड़ने दे, रिश्ते नातों से ज्यादा है कुछ नहीं महत्वपूर्ण, वे ही बनाते हैं हमारे जीवन को संपूर्ण, वे ही बनाते हैं हमारे जीवन को संपूर्ण। तो ये है मेरा जो मैंने जो प्रयास किया अपना भावनाओं को कुछ शब्दों में लिखने के लिए। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला। सफाई करते करते देखा एक मकड़ी का जाला लगा हुआ था एक कोने में, एक कीड़े को अपने अंदर फंसा। कोने में लगा वह मकड़ी का जाला, लगा कुछ जाना पहचाना वाकिफ सा, ले गया वह मुझे माजी में, मतलब पास में, और कर गया बचपन की कई यादें ताजा। कैसे एक दिन जब मैं छत की बरसाती में सिरके वाली अमियां लेने गई थी और एक मोटा चूहा देख घबरा कर दूसरी ओर गिर गई थी। एक बार घर के सामने वाले उस बड़े से बरगद के पेड़ पर सब बच्चों के साथ चढ़ तो गई, पर ऊंचाई देख डर से नीचे गिर गई। एक बार अपना गृह कार्य न करने पर कैसे दीदी ने मुझे बचाया था, मेरी कॉपी में मेरा कार्य कर मुझे मास्टर जी की बेत से बचाया था। बचपन में माँ ने लाड़ लड़ाया, पिताजी ने खूब सर चढ़ाया, दीदी की थी मैं नन्ही गुड़िया और भैया की थी आफत की बुढ़िया। पर अब समय बदल गया है, सर पर घर की जिम्मेदारियां हैं, ना कोई लाड़ लड़ाता है ना कोई सर पे बिठाता है। मेरी स्थिति भी है उस कीड़े जैसी जो मकड़ी के जाल में कैद है। मैं भी अपने बीते हुए बचपन की यादों के जाल में कैद हूँ। फर्क बस यही है कि वो कीड़ा अब नहीं है जिंदा, पर मैं अपनी यादों के जाल की वजह से ही हूँ जिंदा। वह मकड़ी का जाला लगा कुछ जाना पहचाना वाकिफ सा, वह मकड़ी का जाला लगा कुछ जाना पहचाना वाकिफ सा। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरी जो कविताओं में हमेशा बचपन के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होता है, तो ये जो है मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा अपने बचपन की यादों के इर्द गिर्द जो है मेरा जिंदगी चलती रहती है। हमेशा मैं कुछ भी करती हूँ तो बचपन के बारे में जो है मुझे यादें आती रहती हैं। तो अगले मेरी कविता का शीर्षक है मेरी भगिनी। भगिनी मतलब बहन। याद आती है मेरी भगिनी, फूल जैसी कोमल भगिनी, हृदय जिसका था उदधी जैसा विशाल एवं निश्चल था, उसके मुख पर एक अनूठा तेज और थी आंखों में चमक हर पल, था प्रेम उसके हृदय में और वात्सल्य उसकी छाया में, वह थी कारुण्य की प्रतिमा, मैं गाती थी जिसकी महिमा, थी वह मन और कर्म से पुनीत, वचनों को निभाने वाली गुनीत, माँ बाबूजी की छवि दिखती उसमें, ममता झलकती उसकी सूरत में, कभी लड़ती कभी प्यार करती, मैं तंग करती तो मेरे कान पकड़ती, मैं रोती तो मुझे शांत कराती, प्यार से अपनी गोद में बैठाती, परंतु अचानक चली गई वो दूसरे लोग अलविदा कर इस धरती लोग, अब उसको याद कर होती मेरी आंखें भीनी, क्योंकि वह थी लाखों में एक भगिनी, फूल जैसी मेरी भगिनी। तो ये बहन पे था। अब जो है जो अगली कविता सुनाने जा रही हूँ वह है कन्या। आज जब दुनिया बदल रही है, अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिनकी विचारधारा नहीं बदली। कई घरों में आज भी बेटियों पर हद से ज्यादा पाबंदियां हैं। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कविता लिखी है। कन्या। कन्या भी आपका अंश है,
वह भी आप ही का वंश है। फिर क्यों होता है उसके साथ भेदभाव? क्या है आपके पास इसका कोई जवाब? उसकी भी कुछ है ख्वाहिशें, भूलो मत कि वह भी है इंसान, मैं हाड़ मांस का पुतला नहीं, उसमें भी बसती जान है। विश्वास त्याग और सौम्यता का प्रतीक, स्नेहमयी और आसक्त, आसक्त यानी कि जो सबसे प्रेम करती है, निभाती घर की सारी रीत है। वह विश्वास त्याग और सौम्यता का प्रतीक, स्नेहमयी और आसक्त, निभाती घर की सारी रीत। हो सकती है वह भी परिवार की शान, बढ़ा सकती है आपका मान और सम्मान। दो उसे भी उतनी ही जितनी बेटे को है आजादी, दो उसे भी उतनी ही जितनी बेटे को है आजादी। विश्वास करो उस पर, ना लगाओ कुछ पाबंदी। लगने दो पंख अपनी लाडली के, लगने दो पंख अपनी लाडली के, उड़ने दो आसमान छूने के लिए उसे। पढ़ाओ लिखाओ उसे, आत्मनिर्भर बनाओ उसे, ज्ञान का हथियार दे मजबूत बनाओ। फिर देखो कैसे वह फैलाती है उजियाला, नाम रोशन करे अपने घर का जग में सारा। उसे शक्ति दो अपनी आवाज ऊंची उठाने की, समझ दो सही फैसले लेने की। समय आने पर निभाएगी अपने सारे फर्ज, परिवार के साथ खड़ी रहेगी चाहे हो कोई भी दुख दर्द। पुत्री भी इंसान है, पूरे घर की शान है, कन्या भी इंसान है, हम सब की शान है। तो ये मेरा उन माता पिताओं से जो है अनुरोध है कि लड़कियों को भी पढ़ाएं और उनको घर में ना बांध के रखें। तो चलिए अब कुछ हल्की फुल्की कविताओं का आनंद लेते हैं। तो इस कविता का शीर्षक है अमेरिकी चाय की दुकान। तो भतीजे की शादी में मुरारी लाल पहुंचे पहली बार अमेरिका, ऊंची इमारतें देख गोरी मेम देख रह गए हक्का बक्का। घर बैठे बैठे एक दिन हो गए इतने बोर, समय काटने के लिए निकले मार्केट की ओर। घूमते घूमते जब लगी चाय की तलब, तभी एक चाय की दुकान पर पड़ी उनकी नजर। अंदर घुसे तो देखा एक लंबी सी कतार, अंत में खड़े होकर करने लगे अपनी बारी का इंतजार। काउंटर पर खड़ी मेम क्या फुर्ती दिखा रही थी, काउंटर पर खड़ी मेम क्या फुर्ती दिखा रही थी, अंग्रेजी में चटपट बोल झटपट ग्राहक निपटा रही थी। कुछ ही देर में आ गई मुरारी लाल की भी बारी, चाय का ऑर्डर देने की कर ली थी पूरी तैयारी। क्योंकि वो मन मन में जब भी हम चाय का ऑर्डर या चाय या कॉफी लेने जाते हैं तो मन में सोचते हैं कि हमें क्या ऑर्डर देना है। तो तभी अचानक याद आ गई भतीजे की कही बात, अमेरिका में लोग चाय नहीं कॉफी पीते हैं जनाब। तभी गोरी मेम ने अंग्रेजी में पूछा, आप क्या लेंगे? बेमन से मुरारी लाल ने कहा, एक कप कॉफी लेंगे। तो हम जो खासकर हम जो इंडिया से आते हैं या हम मैं खुद भी कॉफी की बजाय हम चाय पसंद करते हैं। तो वही मुरारी लाल जी का था कि कॉफी पीने की इच्छा नहीं थी, पर बेमन से मुरारी लाल ने कहा, एक कप कॉफी लेंगे। कौन सी कॉफी लेंगे, करा मेम ने सवाल, वही जो कड़वी होती है, था मुरारी लाल का जवाब। मुस्कुराकर मेम ने जल्दी जल्दी 8-10 नाम गिनाए, मीडियम रोस्ट, डार्क रोस्ट, मोका, कैपेचिनो, एस्प्रेसो या लाते। गोरी की गुलाबी अधरों से निकले शब्द अच्छे तो लगे, पर यह सारे नाम मुरारी लाल के सर के ऊपर से निकल गए। वही जो गरम गरम होती है, बोले बड़ी शान से, ओ गरम कॉफी पर कौन सी, गोरी ने भी प्रश्न किया तपाक से। वही जो सफेद रंग के गत्ते के गिलास में आती है, था मुरारी लाल का उत्तर, जिसे सुनकर सब लोग खड़े रहे निरुत्तर। समय रहा था बीत, बढ़ रही थी भीड़, ग्राहकों के बिदक जाने का था पूरा अंदेशा। तभी चाय वाली ने एक और प्रश्न फेंका, टाल ग्रांदे वेंटी या ट्रेंटा। मुरारी लाल ने सोचा, यहाँ तो फंस गया बेटा। बात को संभालते हुए गोरी बाला मुस्कुराई, कहा, मैं आपके लिए अभी एक लाते लाई। सुन लाते का नाम, मुरारी लाल गए घबरा, मुक्को लातों की बात कर रही है, ऐसी मुझसे क्या हुई खता।
नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कृपया कितना बजा है मुझे बस समय बताइए। तो मुरारी लागी ने अपना जो है इरादा इरादा बदल दिया और कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कृपया कितना बजा है मुझे बस समय बताइए। चाय मिली ना कॉफी, मुरारी लाल के मुंह पर बज गए 12, जल्दी जल्दी वे वहां से हो गए 9, 2, 11। और मन ही मन बोले, अमरीकी रंग ढंग हमको समझ न आए, इन चाय वालियों के प्रश्नों से तो भगवान ही बचाए, जान बचे तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो मेरी जो अगली, अभी है हमारे पास समय विद्या जी, है ना? जी जी बिल्कुल है, अभी आपके पास 6 मिनट और। ठीक है, तो मेरी जो अगली कविता का शीर्षक है वह है पति पत्नी की नोकझोंक। तो हर घर में जो है किसी ना किसी बात पे पति और पत्नी की नोकझोंक होती रहती है, तो वो उस तरह उसका किस तरह से आनंद उठाते हैं, तो उसके ऊपर मैंने ये कविता लिखी है जो मेरे और मेरे पति देव के साथ हुआ था। तो पति पत्नी की नोकझोंक का होता कोई समय नहीं, घर या दफ्तर, अंदर या बाहर, शुरू हो जाती है कभी भी कहीं भी। एक दिन की बात है, पति पत्नी ले रहे थे आनंद शाम की चाय का, ताजे पकौड़ों के साथ लिया जा रहा था मजा सुबह के बासी अखबार का। पढ़कर पन्ना सौंदर्य क्या, पत्नी जी सुलझा रही थी अपने सौंदर्य के मसले, और पति देव बढ़ा रहे थे जानकारी अपनी पढ़कर शेयर बाजार के पन्ने। अचानक पत्नी जी की चीखों ने कर दिया शांति में भंग, आक्षू आक्षू कर हसरत भरी नजरों से देखा पति जी की ओर, पर शायद पत्नी की छींकों का जिन पर कुछ हुआ नहीं था असर, गुस्सा रहा मुंह अखबार में, एक बार भी देखा नहीं पत्नी की ओर। तो उन्होंने जो है नजरअंदाज कर दिया पति की इस बेरुखी पर, पत्नी जी हुई नाराज, ब्लेस यू ना कहने पर पति से पूछ बैठी राज, बोली अरे कठोर जालिम इंसान, क्या तुम्हें जरा भी है इस बात का ध्यान, यहां मैं छींक मार मर रही हूं पर तुम हो अनजान, छींक मारते वक्त रुक जाती है कुछ पल के लिए दिल की धड़कन, इसीलिए छींक मारने वाले को कहा जाता है ब्लेस यू। आखिरकार बड़े बेमन से पति देव ने रखा परे अखबार, थोड़ा सा मुस्कुराए देखकर पत्नी जी की ओर, कहा मैं तो कहने वाला ही था, बस कर रहा था इंतजार यह देखने का कि भगवान जी तुम्हें ब्लेस करते हैं या मुझे इस बार। तो इस बात पर पत्नी जी हुई बड़ी नाराज, अब ऐसा लगा कि हो गया नई जंग का आगाज, आग बबूला होकर किया रसोई घर की ओर प्रस्थान, यह देख पति देव की बंद हो गई जबान। बात बिगड़ती देख किया पत्नी जी को मनाने का विचार, डाला प्यार से पत्नी के गले में अपनी बाहों का हार, कहा अरे प्रिय मैं तो कर रहा था तुमसे दिल लगी, अरे प्रिय मैं तो कर रहा था तुमसे दिल लगी, चलो मुस्कुराओ दिखाओ ना ऐसी नाराजगी, जब तुम मुस्कुराती हो मेरा दो किलो बढ़ जाता है खून, मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हो, चलो ना दो इस बात को इतना तूल। यह सुनकर पत्नी जी हुई और भी नाराज, कहा क्या तुम मुझे बुद्धू समझते हो, खून किलो में नहीं नपता है मिलीलीटर में, इतना तो मैंने भी पढ़ा है विज्ञान में। तो मित्रों पति पत्नी की नोक झोंक का ऐसे ही चलता रहता है सिलसिला, एक दूसरे से रूठने और मनाने का दोनों ही भरपूर लेते हैं मजा। तो ये था, एक और मैं सुना दूं जल्दी जल्दी? जी जी बिल्कुल, आपके पास 2 मिनट और हैं। ठीक है, तो ये है कविता रविवार की छुट्टी। तो हम यहाँ कनाडा में रहते हैं और हमारे माता पिता जो है भारत में रहते हैं, तो वहाँ पे टाइम डिफरेंस है, तो कई बार उनको जो है वो अपने हिसाब से उठ जाते हैं और अपने हिसाब से फिर सोचते हैं कि चलो बच्चों को फोन कर लें। तो उसी पे मैंने कविता लिखी है। उस दिन रविवार की छुट्टी थी, आंखों में छाई हुई सुस्ती थी, अलार्म तो सुबह 7 बजे ही बज चुका था, पर देर तक सोने का अपना ही मजा था। तो जब छुट्टी होती है तो हमें लगता है कि थोड़ा सुस्ता ले, देर तक सो लें। तो अलार्म तो सुबह 7 बजे ही बज चुका था, पर देर तक सोने का अपना ही मजा था, इसीलिए आंखें मूंद रजाई में दुबकी पड़ी थी, कुछ देर और सो लूं यही विचार में पड़ी थी। तभी किसी दुश्मन की नजर लग गई, ट्रिन 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 कर फोन की घंटी बज गई। थोड़ी देर और सुस्ताने का मन था, साथ ही नींद न टूटने का डर था,
पर यह कमबख्त फोन कहाँ सोने देता है, पर यह कमबख्त फोन कहाँ सोने देता है, जोर जोर से बच जान खा लेता है। पहले सोचा मुंह फोन को ना उठाऊं, पहले सोचा मुंह फोन को ना उठाऊं, देर तक सोकर अपनी छुट्टी मनाऊं। पर मन भी एक अजीब चीज है, दिमाग से कभी कभी होता विपरीत है। फोन और मन की हुई जीत, बेचारा दिमाग एक बार फिर हुआ पराजीत। बेमन से आधी नींद में उठाया फोन, कॉलर आईडी को इग्नोर कर पूछ डाला, हेलो आप कौन? दूसरी तरफ से माँ की आवाज आई। मेरी आवाज सुन उनकी आवाज में खुशी झलक आई। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो तुम सब? आज संडे है, यही सोच मैंने फोन कर लिया बस। आखिर माँ तो माँ होती है, जो बिना कहे बिना देखे सब भांप लेती है। मैं सो रही थी, यह माँ समझ गई, शायद और सोना चाहती हूँ, यह भांप गई। प्यार से बोली, सो जा बेटी, मैं तो फिर कर लूंगी बात, करूंगी दोबारा फोन जब होगी तुम्हारी रात। माँ की आवाज सुन नींद गई सारी भाग, कभी भी बात कर लूं क्या दिन क्या रात। माँ का फोन आया यही मेरा अहोभाग्य, अब दिन अच्छा बीतेगा क्योंकि हो गई माँ से बात। तो ये था, मुझे हमेशा ये लगता है कि जिस दिन मम्मी से बात होती है तो लगता है कि आज जो है दिन अच्छा जाएगा। तो रश्मि जी, अति सुंदर मनमोहक काव्य पाठ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवतातुल्य दर्शकों को साधुवाद। आप सुन रहे थे टोरंटो में रहने वाली रश्मि वार्ष्णेय जी को। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश विदेश से जुड़े माँ हिंदी की संतानों का, जो इस सरस काव्य महायज्ञ में हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सभी श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि वो अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें, इससे कवि को मनोबल तो बढ़ता ही है और सुंदर लिखने की प्रेरणा भी मिलती है। मित्रों, कविता का उद्गम